हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि 376 या पॉस्को अगर आपके ऊपर लगा हुआ है तो ऐसे में आपको बचाव कैसे करना है। आखिरकार आपको उसमें जेल तुरंत जाना पड़ेगा या गिरफ्तारी में कुछ समय लगेगा, पुलिस वाले तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं, बेल कितने समय में होगी, अगर बेल ना लेना चाहे सीधे केस ख़त्म करना चाहे तो क्या करें, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर डायरेक्ट मुझसे मिल भी सकते हैं और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 376 का केस मेरे पास समूमन डेली 20-25 फोन 376 को लेकर ही आते हैं और 2-4 नए मुकदमे आते हैं। लोग अक्सर बात करते हैं कि सर मेरे ऊपर फॉल्स केसेस लिखा दिए गए, मेरी पुरानी रंजिश चल रही थी, दुश्मनी चल रही थी या कुछ पैसे का लेन देन था जिसको लेकर मेरे ऊपर, मेरे परिवार वालों के ऊपर 376 लिखा दिया गया, 376D लिखा दिया गया। ये सारी की सारी चीज़ें अक्सर हम लोग सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? 376 अगर आखिरकार आपके ऊपर लिखाया गया है तो क्यों लिखाया गया? देखिए इसके पीछे रीज़न ये होता है कि 376 का मुकदमा एक ऐसा मुकदमा होता है या पॉस्को का मुकदमा ऐसा होता है जिसमें ये हीनियस नेचर का मुकदमा होता है। इसमें इंटेंसिटी ऑफ क्राइम, इंटेंसिटी ऑफ ऑफेंस बहुत ग्रीवियस माना जाता है। इसमें सज़ा बहुत हैवी है, उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है, 10 साल के ऊपर की सज़ा हो सकती है आपको, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इसलिए अपोजिट पार्टी आपके ऊपर ये मुकदमे लिखाती है। अब देखिए आप कहते हैं कि सर ये फर्जी मुकदमा है। अब आखिरकार इस चीज़ को आप कोर्ट में कैसे साबित करने वाले हो कि ये जो 376 का मुकदमा आपके अगेंस्ट लिखाया गया है वो फर्जी है? फॉल्स कैसे कहोगे? फॉल्स कहने के लिए, उस मुकदमे को फर्जी कहने के लिए आपके पास क्या क्या तथ्य होने चाहिए तब आप उस मुकदमे को फर्जी कह पाओगे? देखिए सबसे पहले ये होना चाहिए कि उसमें अगर उस मुकदमे को अगर आपने फर्जी साबित करना है तो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि वो FIR जो कराई गई होगी घटना कारित होने के बहुत दिनों बाद कराई गई होगी। क्योंकि जब घटना कारित होने के बहुत दिनों बाद कराई गई होगी तो उस कंडीशन में उस महिला को जिसके द्वारा ये आपके अगेंस्ट 376 के मुकदमे लिखाए गए हैं उसको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ ओरल टेस्टिमनी की बेसिस पर, सिर्फ उसके मौखिक कह देने के बेसिस पर FIR रजिस्टर हो जाती है 376 की, क्योंकि वो महिला है और महिलाओं के अगेंस्ट ऑफेंस में FIR पुलिस को लिखनी ही लिखनी पड़ती है, इसलिए पुलिस लिखती है, जर्नली नहीं लिखती है। लेकिन पैसे वसूलने होते हैं लड़के वाले से विवेचना के नाम पर, नाम काटने के नाम पर, FIR लगाने के नाम पर, इसलिए पुलिस इन सब चीज़ों को बिना उनके एविडेंसेस की जांच परख किए हुए, बिना उनसे बातचीत किए हुए इस तरीके के FIR को लिख देती। अब मुकदमा झूठा है ये आप साबित कैसे करोगे? देखो मुकदमा झूठा है साबित तब होता है जब फॉल्स FIR मतलब डिले इन FIR, यानी कि जबकि घटना कारित बताई गई है, मान लो बताया गया है कि जनवरी में घटना हुई है और आके अगस्त में FIR लिखाई जा रही है तो मेडिकल ना कराना पड़े इसलिए FIR डिले से लिखाई जाती है। और वो कहती हैं कि मैं प्रताड़ित थी, शोषित थी, उस समय मेरी मनोमस्तिष्क की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं FIR लिखा लूँ, ठीक है। और अचानक से उनकी मेंटल स्टेटस, मेंटल हेल्थ बेटर हो जाता है और वो FIR आके लिखा देती हैं आपके अगेंस्ट और आप उसमें मुजरिम साबित होने लगते हो। तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रेस तो आपको होगी और अपोजिट पार्टी मज़े लेगा, वो लिखा देंगी 376 की FIR जब डिले इन FIR हो। दूसरी चीज़, उस FIR में जब मेडिकल नहीं कंडक्ट कराया गया हो या लड़की ने स्वयं से या उसके परिवार वालों ने, अगर माइनर है तो मेडिकल कराने से मना कर दिया हो, जब मेडिकल कराने से मना कर दिया होगा तो एक शक की सुई आती है, हाइमन का स्टेटस पता चल जाता है कि उसकी सेक्सुअल पोजीशन क्या रही, कि वो क्या कॉन्टिन्यूस बेसिस पर किसी के साथ करती आ रही या नहीं आ रही, वो निकल कर चला आता है, इसलिए लोग मेडिकल मना कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब मेडिकल है ही नहीं, इससे साबित ही नहीं होगा कि उस बंदे के द्वारा रेप किया गया है तो आखिरकार उस व्यक्ति को जेल में क्यों डाला जाए, क्यों उस व्यक्ति को सजा दी जाए? सिर्फ आपके कह देने से, आपने मेडिकल नहीं कराया, आपने FIR डिले से लिखाया, आपका पहले से कोई केस किसी चीज़ को लेके चल रहा था, जैसे आपका पैसे का लेन देन था, आपने अकाउंट में पैसे भेजे किसी चीज़ के लिए और आप उस पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अब पैसा 2-4-5 लाख रुपए है, देना ना पड़े इसलिए 376 की FIR लिखा, तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब उल्टा पैसे लड़का वाला दे के सेटलमेंट करने की कोशिश करेगा तो इससे साबित होगा कि फॉल्स FIR है। प्रॉपर्टी का कोई ज़मीनी विवाद है,
ठीक है, ईगो हो गया लिव इन रिलेशनशिप में रहने। अब कोर्ट पूछे कि भाई आखिरकार आपके अगेंस्ट अगर आप कह रहे हो ये झूठा मुकदमा लिखाया गया है तो क्यों लिखाया गया, तो लिखाने के पीछे जो मैंने तीन रीज़न बताए, पैसे का विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, या जो है ना द्वेष विद्वेष क्रोध लोभ की भावना अगर होगी तो ये FIR लिखा दी जाती है। अब देखिए, अब इसमें बचना कैसे, अगर देखिए मेडिकल नहीं कराया है, FIR डिले से हो गई है, तारीख उसमें नहीं बताई गई किस दिन घटना कारित करी गई है, घटना स्थल नहीं बताया गया, जैसे लड़की ने कहा कि मुझे होटल में ले जाकर रेप करते थे, लगातार बहला फुसला कर रेप करते थे, लेकिन लड़की सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए तो एकदम एग्री रही, लेकिन होटल का नाम नहीं बता रही है, होटल के मैनेजर का स्टेटमेंट नहीं कंडक्ट करा रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर साबित होता है कि होटल का, जब जिस होटल में जाने की बात करी गई है उस होटल के मैनेजर का या स्टाफ का किसी का जो है ना स्टेटमेंट नहीं आया, दूसरी चीज़ ये नहीं आया, स्टेटमेंट नहीं आया, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ जो है कि उसमें समय नहीं बताया, तारीख नहीं बताया, स्थान नहीं बताया, जब ये सारी की सारी चीज़ें आपकी FIR से मिसिंग होंगी तो जान लेना FIR 100% फर्जी है, इसमें बेल हो सकती है, इसमें आप FIR को कम्प्लीटली ज़ीरो करा सकते हो, ख़त्म करा सकते हो। और कैसे ख़त्म कराओगे, अब जैसे मान लीजिए देखिए मेडिकल का कंडक्ट करना 72 घंटे के अंदर मैंडेटरी होता है, 72 घंटे के अंदर अगर इन्होंने मेडिकल नहीं कराया, अपने अंतर वस्त्रों की सैम्पलिंग के लिए नहीं भेजा, तो मान लो फर्जी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अब आपको बचना कैसे, जैसे FIR हो गई, आप कह रहे हो सर FIR हो गई है मेरे अगेंस्ट, तो 8 साल 9 साल 10 साल 4 साल 2 साल 5 साल जितना भी टेन्योर तक मुकदमा चलेगा, ये मुकदमा चलेगा, इसमें मुझे हैरेस होना पड़ेगा, मेरा परिवार तबाह हो जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट हो चुकी है और भी होती रहेगी, आर्थिक रूप से एकदम हानि होगी, तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे इस मुकदमे को हम ऑन द स्पॉट बहुत तेज़ी से ख़त्म करा सके। तो देखिए, जब आपको पता है कि आपके द्वारा कोई भी ऐसी घटना कारित नहीं करी गई है, जो भी तथ्य लिखाए गए हैं, जो भी फैक्ट्स लिखाए गए हैं, वो सारे के सारे झूठे हैं, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, उस FIR का कोई मतलब नहीं है, जिस दिन की घटना बताई गई है उस दिन आप अपने ऑफिस में थे, नौकरी पर थे, किसी के साथ पिक्चर देखने गए थे, उसके टिकट्स हैं आपके पास, ऑफिस में अटेंडेंस की बायोमेट्रिक अवेलेबल है आपके पास, या उस शहर में आप नहीं थे उसकी टिकट आपके पास है, आप दूसरे शहर में थे, CDR लोकेशन में आप कहीं दूर दूर तक निकल के नहीं आ रहे हो, जब आपके पास ये सारे के सारे सबूत हैं, इंडिपेंडेंट गवाह हैं आपके पास, तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी ट्रायल फेस करने की, कोर्ट में केस फेस करने की, लोअर कोर्ट में मैं सलाह नहीं देता हूँ। ऐसी कंडीशन में मैं इमीडिएटली कहता हूँ कि जब आपके अगेंस्ट फॉल्स FIR हुई है, आपको अच्छी तरीके से पता है झूठी FIR है, तो सारे सबूतों गवाहों एविडेंसेस को अपने लिए प्रोटेक्ट करिए, कलेक्ट करिए, कलेक्ट करने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट आइए 482 CRPC में हाई कोर्ट आने के बाद, सारे एविडेंसेस को लगाने के बाद इमीडिएटली आप जो है FIR क्वेशिंग मूव करिए। FIR क्वेशिंग में देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट में FIR क्वेशिंग एक अलग से रेट में होती है, बाकी जगह 482 CRPC में होती है, तो FIR क्वेशिंग में आइए, कोर्ट को सारे फैक्ट और सरकमस्टांसेस अपने वकील साहब के माध्यम से बताइए, शानदार बहस करिए कि जो भी FIR मेरे अगेंस्ट लिखाई गई ये फॉल्स है, इस घटना से वास्तविकता का कोई लेना देना नहीं है, इस FIR को क्वैश किया जाए। और अगर एक बार मेरे मित्र FIR आपकी क्वैश हो गई तो धरती पे कोई माई का लाल नहीं पैदा है कि आपको उस ऑफेंस के लिए दोबारा जेल भेज सके या कुछ ऐसा कर सके। जब आपके सारे तथ्य सही हैं, आप तथ्यात्मक रूप से मजबूत हैं, तो आपके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और आपको कोर्ट बाइज्जत बरी कर देगी। तो इसलिए आप जो है FIR क्वेश्चनिंग का विकल्प ढूंढें जब फॉल्स रेप के चार्जेस, रेप के एलिगेशन आपके अगेंस्ट लगे, ना कि ट्रायल फेस करने के बारे में सोचे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई है, समझ में आई है, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, जब आप FIR क्वेशिंग में आते हैं, आपकी FIR अगर इनकेस क्वेश नहीं होती है, उसमें आपको कोर्ट में हाई कोर्ट में सफलता नहीं मिलती है, तो आपकी अगर चार्जशीट दाखिल हो रही है तो आप चार्जशीट क्वेशिंग में आइए, और अगर आप चार्जशीट क्वेशिंग आपकी नहीं हो रही है, चार्जशीट में फेलियर हो रहा है, तो डिस्चार्ज मूव करिए लोअर कोर्ट पे। लोअर कोर्ट पे डिस्चार्ज मूव करने के बाद भी नहीं काम हो रहा है तो एंटायर प्रोसीडिंग को आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में फिर से चैलेंज कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं बचने के,
यू नो इस प्रक्रिया से बचे रहने के। और अगर इस प्रक्रिया को, इस तय मानक को आप उठाएंगे, समझेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, करेंगे, तो आपको डेफिनेटली लाभ मिलने वाला है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई है, समझ में। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक नहीं जुड़े तो प्लीज़ वहाँ जुड़ना। जय हिंद।